हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए मैं एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में बता रहा हूँ अम्ब्रेला मशीन का सेटल कैसे सेट करते हैं और काली मशीन का सेटल कैसे सेट करते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें स्लेट निकालना है, उसके बाद जो है हमें बाइबिन केस निकालना है और एक पेचकस लेके हमें इस पेच को खोल के पैर भी निकाल लेना है। और एक पेच ये है, दूसरा पेच ये है, दोनों पेच को खोल के हमें पटरी भी निकाल लेना है। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये पटरी भी मैंने निकाल लिया है और आपको ये दांते जो हैं बिल्कुल नहीं खोलने हैं। मैं इसलिए खोल रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से इसकी सेटिंग समझा पाऊँ कि सेटल कैसे सेट करते हैं। तो देखिए, दांत मैंने हटा लिया है। हटाने के बाद ये सेटल दिखा देता हूँ मैं आपको कि देखिए, ये सेटल जो है घुमा हुआ है। और सबसे पहले सेटल बांधने से पहले हम क्या करते हैं, सुई जो है हमें हटा देना है। जब भी आप सेटल सेट करते हैं तो सुई ज़रूर नहीं लगा लें, क्योंकि अगर सुई गलत होगा तो सेटल भी आपका गलत सेट हो जाएगा। तो नई सुई जो है मैंने ये ले ली है और मैं इसमें जो है नई सुई लगा देता हूँ। तो सुई मैंने नई लगा दी है। उसके बाद हम जो है इसकी सबसे पहले गज की सेटिंग देखेंगे। तो देखिए, ये गज की सेटिंग जो है हमारी ख़राब है। और गज की सेटिंग कैसे सही होगी मैं बताता हूँ। मत्था के दोनों पेच खोल के मत्था हमें बाहर कर देना है। उसके बाद देखिए, ये पूरी तरीके से नीचे आने के बाद देखिए, ये पूरी तरीके से जो है गज नीचे आ गया। उसके बाद जो है हमें इस लिंग के पेंच को खोल के हमें गज को सेट करना है। और गज कहाँ सेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गज को जो है हमें यहाँ सेट करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा नीचे कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, मगर ये जो है ये राइट जगह है। आप ध्यान से देखें, ये जो है ये राइट जगह है, आपको भी यहीं सेट करना है। और जब आपका ये सेट हो जाए सेटल के अंदर सुई, तो फिर हमें जो है इस वाले लिंग के पेंच को अच्छे तरीके से जो है हमें टाइट कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसको टाइट कर लिया है और अब जो है मैं आपको सेटल की सेटिंग बताऊंगा कि सेटल को सेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको सेटल सेट करने से पहले ऊपर सेटिंग बताऊंगा, फिर बाद में मशीन के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए, कुछ लोग ऊपर बांध देते हैं, कुछ लोग यहाँ नीचे बांध देते हैं, मगर आपको जो है ऐसे नहीं बांधना है। आपको राइट बांधना है और राइट जगह जो है वही ये है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इस जगह पर हमें बांधना है। तो आइए मैं मशीन के अंदर बताता हूँ आपको किस तरीके से सुई नीचे जाए और जब ऊपर आने लगे तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, उसी जगह पर हमें जो है सेटल को सेट करना है। और इस बात का ख्याल रखना है कि हमें जो है सुई ज़्यादा टकराता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर सुई टकराएगी तो सुई तोड़ने की दिक्कत आ जाएगी और सुई और सेटल का नोक से ज़्यादा गैप होगा तो टाप मारने की दिक्कत आ जाएगी, छोड़ छोड़ के चलने की दिक्कत आ जाएगी। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। दूसरे साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा सेटल किस तरीके से सेट हुआ है। थोड़ा करीब ला के दिखा देता हूँ। देखिए, सुई जब ऊपर आता है तो सेटल का नोक, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, उसी जगह पे जो है चल रहा है, यानी हमारा सेटल जो है बराबर सेट है। एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए बराबर सेट है। और इसी तरीके से आपको भी जो है सेटल की सेटिंग करनी है। और जब आपको लगे सेटल सेट हो गया है तो आप इसको अच्छे तरीके से जो है टाइट कर लें तीनों पेंच को। एक पेंच टाइट हो गया है, दूसरा भी टाइट कर लेता हूँ और ये मैं तीसरा भी टाइट कर लेता हूँ। तो हमारा सेटल जो है सेट हो चुका है। मैं आपको जो है चला के दिखा दूं। देखिए, बराबर ये चल रहा है। अब उसके बाद जो है दांते आपको कस लेने हैं। दांते हमारे कस गए, अब मैं पटरी कस के आपको दिखाता हूं। और जब तक मैं पटरी कस रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भाइयों की जो ये दिक्कत हो सेटल वाली, वो दिक्कत दूर हो जाए। पटरी कसने के बाद जो है मैं पैर कस के आपको दिखाता हूँ। पैर कसते हुए जो है हमें थोड़ा सा लिफ्टर को प्रेस करना है, देखिए इस तरीके से, और ताकि जो है पैर पूरी तरीके से बैठ जाए। उसके बाद बाइबिन केस लगाना है हमें, उसके बाद स्लेट लगाना है, उसके बाद हमें जो है मत्थे के दोनों पेंच पे मत्थे को रख के टाइट कर देना है। और आपकी मशीन इसी तरीके से ये कंप्लीट हो चुकी है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें।